डियर स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेबल टीचर, अस्सलाम वालेकुम। आई स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट माइटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मिस्टर सदीक सर दैट ही गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू पीपल टू डिस्क्राइब माई व्यूज। सो टुडे माई प्रेजेंटेशन टॉपिक इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो वट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी? अच्छा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम स्टडी करेंगे चार्ज के बारे में, लेकिन उन चार्ज के बारे में जो मोशन करते हैं। अगला टॉपिक है करंट। सो व्हाट इज करंट? करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज के बहने के अमल को करंट कहते हैं। करंट के दो टाइप्स हैं, एक है इलेक्ट्रिकल करंट और दूसरा है कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट, द करंट विच प्रोड्यूस इन अ सर्किट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। वो करंट जो नेगेटिव चार्ज की तरफ से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है उसको इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। इसके बाद है कन्वेंशनल करंट। द करंट विच प्रोड्यूस इन अ सर्किट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। वो करंट जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ से नेगेटिव चार्ज की तरफ होते हैं उसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और हम जो गर्म इस्तेमाल करते हैं वो हम कन्वेंशनल करंट इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद टॉप करंट हो, करंट को हम आई से जाहिर करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई आई। इसको हम आई से जाहिर करते हैं और इसका यूनिट एम्पेयर है। आई इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सो चार्ज की यूनिट कोलम है और टाइम की सेकंड है और उसको हम एम्पेयर कहते हैं। चार्ज करंट की यूनिट एम्पेयर है और करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। सो इससे पहले हम पोटेंशियल को एक्सप्लेन करते हैं कि पोटेंशियल क्या है। द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जों के दरमियान वर्क को पोटेंशियल कहते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड EMF। सो पोटेंशियल तो हमने एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आते हैं EMF। EMF द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इनसाइड अ बैटरी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड EMF। सो डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड EMF, मेन डिफरेंस पोटेंशियल और EMF में ये है कि सप्लाइड वोल्टेज जो होता है उसे पोटेंशियल कहते हैं और जो कंज्यूम वोल्टेज होता है उसे EMF कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमने 12 वोल्ट वोल्टेज दिया एक बैटरी को, तो यहाँ पर हमने एक बल्ब लगाए हैं। तो इस बल्ब में जितना चार्ज लिया उसको EMF कहते हैं।
यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ इसको EMF कहते हैं और जो हमने दिया था उसे पोटेंशियल कहते हैं। सो पोटेंशियल ये 12 वोल्ट जो है उसे पोटेंशियल कहते हैं और जो इस्तेमाल हुआ उसको EMF कहते हैं। सो आज हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ इस पोटेंशियल के साथ। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।